हाय दोस्तों, अगेन वेलकम इन माय चैनल। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आप कैसे मतलब प्ले स्टोर पर कोई भी ऐप को रेट कर सकते हैं या उस पर कमेंट कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसे आपने देखा होगा प्ले स्टोर पर बहुत सारे लोग किसी ऐप की रेटिंग रहती है, उस पर कमेंट बहुत सारे रहते हैं कि मतलब ऐप कैसी है, कैसा क्या है। रेटिंग के हिसाब से आप ये डिसाइड करते हैं कि मतलब आपकी ऐप किस क्वालिटी की है, कैसा फीचर्स है, कैसा यूज करने में। तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊँगा कि आप भी कैसे बिल्कुल आसानी से कोई भी ऐप प्ले स्टोर पर किसी भी ऐप को मतलब रेट कर सकते हैं, उस पर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर चले जाना है। वहाँ से आप जिस भी ऐप पर कमेंट करना चाहते हैं या उसको रेट करना चाहते हैं, तो उस ऐप को वहाँ पर आप सर्च करेंगे। जैसे मैं अभी मोवीजन को सर्च कर लेता हूँ। अब मेरे को इस ऐप को मतलब रेटिंग करना है और इस पर कमेंट भी करना है। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखिए, तो ये देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ पर नीचे रेट दिस ऐप, मतलब यहाँ से मैं इस ऐप को रेट कर सकता हूँ। देखिएगा, मैं करके बता देता हूँ। ये देखिए, यहाँ से मैं बिल्कुल इसकी रेटिंग कर सकता हूँ। मैंने इसको 3 स्टार रेटिंग दे दी है। और डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस, ये आपका कमेंट होता है। तो इस कमेंट पर मतलब आप कुछ भी लिख सकते हैं। नाइस ऐप एंड गुड टू यूज, इस तरह से आप जो भी अपना कमेंट लिखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आसानी से अपना कमेंट लिख सकते हैं। और इसके बाद आप टेल अस मोर ऑप्शन, मतलब टच दिस ऐप हैव वाइट बोर्ड, आप इनको भी, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, इनको भी आप नॉट से और जो भी आप करना चाहते हैं, यस दिस ऐप हैव स्क्रीन शेयरिंग, नो, मतलब इस तरह से आप बहुत सारे इसके जो और भी इसमें बहुत सारे किसी किसी में और सारे ऑप्शन रहते हैं कि आप मतलब और बहुत कुछ वो ऐप शो करते हैं। तो वहाँ से आप मतलब बहुत कुछ देख सकते हैं कि मतलब कैसे आपको रेट करना है और क्या करना है, इस ऐप का एक्सपीरियंस कैसा है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कैसे आप बिल्कुल आसानी से मतलब, इसके बाद यहाँ से आपको करने के बाद आप पोस्ट कर देंगे जैसे ही। तो ये आपका देखिए रिव्यू मोर, ये देखिए थैंक्स फॉर शेयरिंग, मतलब आपका कमेंट, ये देखिए मेरा यहाँ पर शो करने लगा नाइस। तो इस आप यहाँ से अपना कमेंट ऐड भी कर सकते हैं, यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप समझ ही गए होंगे कैसे आप बिल्कुल आसानी से किसी भी ऐप को प्ले स्टोर पर